हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज है फिर से एक और इन्फॉर्मेशन ब्लॉग बाबा के द्वारा आपको मिलने वाली है। आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रक्षाबंधन के बारे में, शास्त्रों के द्वारा जो शास्त्रों में लिखा गया है आज वो बाबा आपको बताने वाले हैं। आज बाबा के पास उस बारे में इन्फॉर्मेशन भी है। कांति यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभान् वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गसङ्गां राधामुकुन्दयुगलं तदहां नमामि। पुलकेशोदि भगवान् की जय। आज कुछ निर्णय सिंध के प्रमाणों का अवलोकन करें, देखें कि रक्षाबंधन के बारे में निर्णय सिंध क्या कह रहे हैं। भद्रा काल में होलिका दहन और रक्षाबंधन कष्टदायी होता है, कभी भी भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं बनाना चाहिए। निर्णय सिंध के अनुसार भद्रा द्वैन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी, अर्थात फाल्गुन माह की पूर्णिमा और श्रावण मास की रक्षाबंधन में अगर भद्रा वर्तमान है तो कदापि रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। भद्रा काल का त्याग करके ही दोनों पर्व मनाना चाहिए। इस वर्ष बहुत भ्रामक स्थिति है, तो निर्णय सिंध के प्रमाण का गहन अवलोकन करें कि 30 अगस्त की रात्रि में बांधे रक्षा सूत्र। 30 अगस्त की रात्रि 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन मनाया जाए। निर्णय सिंध में कहा गया है कि तत्सत्वेति रात्रावपि तदन्ते कुर्यात्, अर्थात भद्रा के समाप्त होने पर रात्रि में रक्षाबंधन करना चाहिए, कोई भी दोष नहीं है, अतिपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरे दिन 31 अगस्त को प्रातःकाल तक के रहने पर भी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों का मत है, क्योंकि प्रतिपदा युग तिथि में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। इसलिए इस वर्ष 30 अगस्त को रात्रि में रक्षाबंधन मनाएं, 11:30 बजे तक रक्षा सूत्र का बंधन करें, भाई के हाथ में बहन भाई से जो है कुछ मांगे और भाई कुछ बहन को दे यथाशक्ति। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्यौहार इस वर्ष मनाना चाहिए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय।